हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज के वीडियो में बात करूंगा मेलाज क्रीम के बारे में। आज की वीडियो में बात करूंगा ये सच में हमारी स्किन को इतना गोरा क्यों बना देती है, इतना गोरा बनाने के बाद हमारी स्किन पे, इसको छोड़ने के बाद हमारी स्किन पे क्यों साइड इफेक्ट्स आ जाती है, इसकी असली सच्चाई के बारे में आज की वीडियो में बात करूंगा। इसका यूज करने का एक सही सटीक तरीका आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कौन सी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, इसके अंदर सब कुछ मेलाज क्रीम के बारे में बता दूंगा। आपके दिमाग में कई ऐसे डाउट है जो आपको बिल्कुल वो क्लियर मैं कर दूंगा कि इससे इसको रेगुलर टाइम तक यूज करने के बाद हमारी स्किन गोरा होने के बाद हम छोड़ते हैं तो स्किन क्यों ब्लैक हो जाती है, लगातार यूज करने के बाद स्किन रेडनेस क्यों हो जाती है, उस रेडनेस को खत्म करने के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी स्किन की जो रेडनेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। हम मेलाज क्रीम को छोड़ना चाहते हो तो उस मेलाज क्रीम को हम किस प्रकार से छोड़ सकते हैं, तो आज की वीडियो में बने रहना। आज की वीडियो काफी हद तक हेल्पफुल होने वाली, बिल्कुल नई तरीके से आपको जानकारी इस वीडियो में दूंगा। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती तो लाइक कर देना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको अच्छी अच्छी ऐसे अलग अलग वीडियो बनाता रहूंगा जिससे आपके पास में ऑल का बल है ना, उस पर क्लिक कर लेना तो आपको वह मेरी सारी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। तो देखो गाइस, बात करता हूँ मेलाज क्रीम के बारे में, तो यह हमारी स्किन को किस तरह से गोरा बनाती है। तो देखा गया इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ही इस प्रकार से यूज किया गया है जो हमारी स्किन को बेहद गोरा बनाते हैं। देखो गाइस क्या करते हो मैं आपको बता देता हूँ। आप ओनली फॉर उसका एडवर्टाइजमेंट देखते हो या फिर आप कहीं ना कहीं देखते हो उस क्रीम को, या फिर कोई यूज करता है और वो आपको बता देता है कि इस क्रीम को मैंने यूज करा है और मैंने इसको लगा रहा हूँ और मेरी अच्छी स्किन पे अच्छा खासा रिजल्ट भी दिखा रहा है, वो बताते और आप जाते हो लेकर आ जाते हो। लेकिन ये आप बिल्कुल नहीं सोचते हो कि हमारी स्किन किस टाइप की है, प्रॉब्लम वाली तो नहीं है, फिर हमने पहले से भी कोई क्रीम यूज करी, हमारी स्किन किस टाइप की, हम ऐसा बिल्कुल भी पता नहीं लगाते और जाते हो लेके आ जाते हो जिससे आपकी स्किन पर कई ढेरों सारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है ना गाइस, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, तो आप लेके आ जाते हो जिससे आपकी स्किन पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है। मेलाज क्रीम हमारी स्किन को किस तरह से गोरा बनाती है, कितनी जल्दी क्यों गोरा बनाती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक स्टेरॉइड क्रीम है। स्टेरॉइड क्रीम में कई हार्मफुल केमिकल यूज किए जाते हैं जो हमारी स्किन की जो ऊपरी परत होती है, जो ऊपरी लहर होती है ना गाइस, उसको निकाल देती है। उसको निकालने के बाद जो खराब चमड़ी होती है उसको निकल जाती है। आपने अगर यूज करते हो कोई मेलाज क्रीम तो आपने देखा होगा आपकी स्किन पर धीरे धीरे व्हाइट पर जो चमड़ी वो धीरे धीरे पड़ना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे आपकी स्किन गोरा होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऊपरी जो परत होती है, जो मेन परत होती है उसको ही यह निकाल देती है जिससे हमारी स्किन धीरे धीरे गोरा होना स्टार्ट हो जाती है। ये इतनी जल्दी इसलिए गोरा बना देती है, इसके अंदर हार्मफुल केमिकल यूज किया गया। लेकिन गाइस इस गोरा बनाने के बाद ये हमारी स्किन को, जैसे इस क्रीम को छोड़ते हो आप, जैसे ये हमारी स्किन को ब्लैक कर देता है। क्योंकि गाइस जैसे आप इसको छोड़ते हो, जैसे आपकी स्किन में केमिकल जाना बंद होता है तो आपकी स्किन धीरे धीरे रेडनेस हो जाती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है और आपकी स्किन बेहद ज़्यादा और ब्लैक हो जाती है। आप सोचते हो ये हमारी स्किन को रेडनेस और स्किन को सेंसिटिव क्यों करती है। देखो गाइस, आप रेगुलर टाइम तक इसको यूज कर रहे हो, रेगुलर टाइम तक आप इसको यूज करने के बाद आप जैसे सोचते हो कि आप, मैंने बहुत ज़्यादा इसको यूज कर लिया है, आप इसको यूज तो करना चाहते हो, ठीक है ना गाइस, लेकिन आपकी स्किन पर रेडनेस आने जाती है। मैंने आपको बताया ना, आपकी जो ऊपरी परत उसकी जो लहर होती है उसको निकालना कर देती है स्टार्ट, उसके बाद ये और ज़्यादा हमारी स्किन को डीपली, जैसे स्किन को गोरा करना स्टार्ट करती है ना, तो हमारी स्किन को रेडनेस आना स्टार्ट हो जाता है। आप इसको रेगुलर टाइम तक कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। एक बात क्लियर सच और रियलिटी आपको बता देता हूँ, ये एक डॉक्टर रिकमेंड करता है, डॉक्टर रिकमेंड करने वाली क्रीम है। इस क्रीम को हम खुद से यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी स्किन पर रेडनेस आती है, आप रेगुलर टाइम तक इसको यूज करते हो तो आपके छोटे छोटे पिंपल्स भी आ सकते हैं। आपकी स्किन पहले से बहुत अच्छी थी और इसके बाद लगाने के बाद आपकी स्किन खराब भी हो सकती है। मैंने बताया इतनी जल्दी क्यों गोरा बनाता है, आपकी स्किन को रेडनेस क्यों बनाता है, ठीक है ना। इसको यूज करने से पहले क्या करना चाहिए सब कुछ मैंने बता दिया। अब आपको बता देता हूँ इसका यूज करने का एक सही सटीक तरीका होता है, वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो आपको एक तरीका ये होता है कि आप इसको डॉक्टर रिकमेंड के द्वारा अगर यूज करते हो तो आपकी स्किन के लिए काफ़ी हद तक फायदेमंद होता है। आप जाते हो, क्या करते हो, लेकर आए तो और खरीद के और आप लगा लेते हो, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमेशा स्किन टाइप देखनी चाहिए आपकी स्किन किस टाइप की, ऑयली स्किन तो नहीं है, सेंसिटिव स्किन तो नहीं है, रेडनेस स्किन की नहीं या तो नहीं है, या फिर आपकी स्किन में पहले से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, या फिर आपकी स्किन बेहद ब्लैक है, किस प्रकार से ब्लैक है, सब कुछ जानने के बाद इस क्रीम का यूज करना चाहिए, जो आपको एक स्किन डॉक्टर ही सलाह दे सकता है। जो आप इसको खुद से यूज करोगे तो आपकी स्किन पर कई ढेरों सारी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो यूज करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह लोगे तो आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होगा। अगर आप, अब बात करता हूँ आपकी स्किन पर साइड इफेक्ट हो चुका है तो उस साइड इफेक्ट को किस तरह से खत्म करना है। देखो गाइस, आपको मैं बता दे, आपको क्या करना है, इस क्रीम को धीरे धीरे स्टॉप कर देना,
धीरे धीरे स्टॉप करने के बाद आप सोच रहे हो आपकी स्किन धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगी। हाँ 100% वो ब्लैक होगी, आपकी स्किन रेडनेस भी हो सकती है, लेकिन गाइस आप जितना जल्दी आपकी स्किन को रिकवर करोगे ना, मतलब जितना जल्दी आप इसको छोड़ोगे आपकी स्किन के लिए फायदेमंद होगा। जिससे बाद आप धीरे धीरे एक अच्छा सा सनस्क्रीन यूज करना है जो आपकी स्किन पर सूटेबल हो, स्किन पर किसी पर कोई रेडनेस, स्किन पर किसी पर कोई सेंसिटिव या स्किन पर किसी पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। तो जैसे कि आपको यूज करना है जो उसका SPF होना चाहिए 50+ होना चाहिए, जिससे आपकी स्किन की जो ऊपरी लेयर है उसको वापस लाने में फायदेमंद करता है, जो आपकी स्किन पर रेडनेस है ना गाइस उसको धीरे धीरे खत्म कर सके। वो रेडनेस आती कहाँ से मैं आपको बता, वो रेडनेस जब आप धूप में निकलना स्टार्ट करते हो, वो धूप की जो UV किरणें आपकी स्किन पर पड़ती हैं तो आपकी स्किन धीरे धीरे रेडनेस आना स्टार्ट हो जाती है। कभी बार मेला स्किन हमारी स्किन की ऊपरी लहर को जला भी देती है गाइस, मैं आपको बता दूं हमारी स्किन जो स्किन है ऊपरी ऊपरी उसको जला भी देती है, जिससे हमारी स्किन पर कई ढेरों सारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। मतलब स्किन पर मतलब इतने डार्क पड़ जाती है जो मतलब सोच भी नहीं सकते हो गाइस, मैंने खुद ने रियलिटी में देखा है गाइस। ठीक, अब मैं बात करता हूँ इसको ज़्यादातर इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखो गाइस क्या करते हैं, जैसे मैंने बता दिया एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू आप देखते हो आप लेके आ जाते हो, इसलिए लोग बस इसको ज़्यादा यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी असली और रियलिटी सच्चाई क्या है, जो मैंने आगे वीडियो में भी नहीं बताई है मैं आपको बता। देखो गाइस एक बात हमेशा आपने देखा होगा, हर एक क्रीम जो गोरा बनाती है, जो हमारी स्किन को जल्दी से गोरा बनाती है, उसके अंदर हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनो या स्टेरॉइड वाले कई केमिकल यूज किए जाते हैं। केमिकल एक ऐसी दवा होती है जो हमारी स्किन की जो ऊपरी लहर या फिर ऊपरी जो परत या फिर हमारी स्किन के जो अच्छे फायदेमंद वाले जो गुण होते हैं उसको निकालने में हटाते हैं, जिससे जिस धीरे धीरे जो हमारी स्किन के ऊपरी जो लहर होती है वो धीरे धीरे। बस आपको मैं बता देता हूँ इसकी असली सच्चाई क्या है। असली सच्चाई अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ ना, तो ये आपकी स्किन पर अच्छा खासा बेनिफिट देगा, कोई ऐसी नहीं बताऊँगा बेनिफिट नहीं देगा। आपकी स्किन को धीरे धीरे गोरा बना देगा, आपकी स्किन को अच्छे तरह से लाइटनिंग बनाने में भी फायदेमंद करेगा। लेकिन किन जितना आपकी स्किन को गोरा बनाएगा ना, उतने ही आपकी स्किन को ब्लैक बना देगा। कैसे बनाएगा, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज करेंगे, हार्मफुल केमिकल जो कि आपकी स्किन को जो स्किन पर सूट करने के बाद आपकी स्किन पर सूट कर जाती है, तो बहुत अगर वो सूट नहीं करता है ना गाइस, वो आपकी स्किन को धीरे धीरे रेडनेस कर देता है और स्किन को सेंसिटिव कर देता है। रेडनेस करने के बाद आपकी स्किन पर जैसे आप इसको छोड़ते हो तो आपकी स्किन बेहद ब्लैक हो जाती है। अब वो करता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करके जो आपकी स्किन पे बिल्कुल सूट नहीं करते। जैसे आप इसको लगा तो लेते हो, मतलब धीरे धीरे आपकी स्किन को गोरा बना देते हैं, आपकी ऊपर की जो लहर है उसको निकाल देते हैं। आपने देखा जो जो मेलाजम क्रीम यूज करता है ना, उसको सबको पता है, क्योंकि उनकी लहर ऊपर की निकलती है, ये ऊपरी परत निकाल देता है, उससे ऊपरी परत निकलने के बाद आपकी स्किन जल्दी से गोरा हो जाती है। लेकिन गाइस जैसे आप धूप के संपर्क में जाते हो या फिर कोई गर्म जगह जाते हो या फिर आप गर्मी में अगर आप इसको यूज कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि आपकी स्किन धीरे धीरे जलन जैसा होना स्टार्ट हो चुका होगा या फिर आपकी स्किन रेडनेस जैसा हो चुका होगा। आपको इस साइड से एक पिक्चर्स दिख रही होगी, ये आपको इस प्रकार से स्किन पर ऐसी प्रॉब्लम दिखा देता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इसकी एक रियलिटी और सीरियसली सही एक सच्चाई है जो कि मैंने आपको क्लियर करा है। देखो इस मैंने इसके बारे में क्यों आपको बताया, क्योंकि आप एक मेरी ऑडियंस हो, मेरी ऑडियंस कोई खराब चीज यूज नहीं करे, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। मैंने हर एक वीडियो में हर एक क्रीम के बारे में सच्चाई बताई और उसके बारे में अगर मैंने फायदा भी बताया है ना गाइस, लास्ट में आपने अगर वीडियो को स्किप नहीं करा होगा तो आपने देखा होगा उसके बारे में सही जानकारी आपको मैंने बिल्कुल दी होगी। मैंने हर एक वीडियो में कभी भी ऐसा नहीं बोला कि जाओ और आप जाके लेके आओ और इसको यूज करो, हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ, डॉक्टर की सलाह लेकर हमेशा हर एक क्रीम को यूज करना चाहिए, जिससे स्किन पर किसी प्रकार कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। हर एक क्रीम के बारे में एक नई बात आपको मैं बताता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। हमेशा हर एक वीडियो में हमेशा हिंदी में ही बोलता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप इसको अच्छी तरह से यूज भी कर सको या फिर अच्छी तरह से उसको पढ़ के और आप इसको मंगवा सकते हो। तो ठीक है ना गाइस, मैंने सब कुछ आज की वीडियो में क्लियर करा है। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।